और टोक दे या ठोक दे तो समझ लेना गुरु ने तुम्हें अपना मान लिया। अगर आपको टोकने में या ठोकने में संकोच करते हैं तो अभी तुम गुरु के अपने नहीं हुए हो। समझाए है? वो तबल जी हाँ बोल रहा है। कैसी लगी थी? दो चार गाना गा रहा था तबल जी, हाय दे दे चार पांच लगी, याद है ना? अभी गाने थोड़े कम हो गए होंगे, फिल्मी गाने गाता था अकेले में। अब मैं जाके धड़का दा तो तबले को ठोकता, मैंने तेरे गाल को ठोका, तब से तो अकल भी थोड़ी ठीक हो गई। डेढ़ साल हो गया होगा, अभी और जरूरत है तो बोलना, अभी है ताकत। नारायण नारायण। तो सहानुभूति होनी चाहिए। धनी अगर अभावग्रस्त में धन का सदुपयोग नहीं करता, धर्म में सदुपयोग नहीं करता, गरीबों के और अभावग्रस्तों के धन के द्वारा आंसू नहीं पहुंचता है तो उस धन को और धनी को धिक्कार है। अगर सत्ताधीश अपनी सत्ता में सहानुभूति का सद्गुण नहीं लाता तो उसकी सत्ता उसको ले डूबेगी। जैसे रावण की सत्ता रावण को ले डूबी, कंस की सत्ता कंस को ले डूबी, हिटलर सिकंदर की सत्ता सीजर की सत्ता उसको ले डूबी, लेकिन जनक की सत्ता उसको चमकाने में, श्री राम जी की सत्ता और कृष्ण की सत्ता उनको परम पद के आनंद में सहायक ही सहायक रहे। तो आपके जीवन में सहानुभूति का सद्गुण लाओ। न्यायाधीश में भी सहानुभूति हो कि इसका मंगल हो, इसलिए भले तू जन्म टिप दे दे लेकिन सहानुभूति पहले रख भैया। दो साल की सजा दे दे लेकिन उसके मंगल की भावना से, वैर की भावना से, दबाव की भावना से अथवा अपने दुराग्रह की भावना से नहीं। किसी न्यायाधीश ने पूछा कि बापू जी ऐसा ऐसा केस आया, मैं उसको फांसी देना चाहता हूं, मैं क्या इतना कठोर क्यों बनते हो? बोले ऐसा है ऐसा है, मेरा दिल करता है उसको फांसी दूं। मैं क्या, देखो जन्म टीप तक का रास्ता निकालो, फांसी मत दो। उस व्यक्ति को मैं पहचानता नहीं था जिसको फांसी देना चाहते थे, लेकिन वो मेरा भक्त था न्यायाधीश, तो उसने ठान लिया था कि फांसी देना है। देखो बापू से पूछो। मैं कहा नहीं, आवेश में उससे गलती हो गई, उसने जो भी किया तो फांसी देने से उसका भला नहीं होगा, जन्म टिप दे दो। फिर वो अल्लाह को पुकारे, खुदा को पुकारे, फिर पैरल पर छूटे, कुछ भी हो सकता है, जिंदा है तो कुछ भी रहमत हो सकती है अल्लाह की। भले अल्लाह को मानता है, हिंदू नहीं है, तभी भी मनुष्य तो है ना भाई, मैं काहे को बोलूं फांसी दे दो। मैं बोला भाई फांसी देने का तुम्हारा विचार मुझे नहीं जचता है, अब तुम तो न्यायाधीश हो, सेशन जज था, मैं नाम काहे को लूंगा, लेकिन बात सच्ची बोलता हूं। सत्संग में आने से, नामदान लेने से उसके दो बार प्रमोशन हो गए, उसके लिए उसकी श्रद्धा भी मेरे प्रति हो गई। मैंने उसको रोका और उसने बेचारे ने फांसी का विचार बदल दिया सज्जन ने। फिर जन्म टिप दिया कि 20 साल की दिया कि 15 की दिया, वो फिर मैंने नहीं पूछा, मैं ये सब बारीकी में नहीं गिरता। तो आपके जीवन में सहानुभूति का सद्गुण होना चाहिए। राज कर्मचारी में अगर सहानुभूति नहीं है तो जल्दी से अनुमति नहीं देगा। स्टेडियम की अनुमति अपने को मिल गई, सहानुभूति थी तब, नहीं तो चक्कर खिलवाता और प्रोग्राम कब करते। तो सरकारी चीजें सरकारी अमलदारों के अधीन होती, अगर समाज के लिए सहानुभूति नहीं है तो बदमाशी करेंगे। पैसा दो तो क्लियर कराओ, नहीं तो ऊपर से फोन कराओ तब क्लियर। आम आदमी बेचारा धक्का खाता रहे, चाहे किसान हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे समिति वाले हो, अगर अधिकारी में सहानुभूति का सद्गुण नहीं है तो बदमाशी करेंगे। इसीलिए सभी अधिकारियों को मेरी नम्र प्रार्थना है कि सहानुभूति का सद्गुण रखो, इससे आपका और देश का और सरकार का यश और
साफल्य बढ़ेगा। शक्ति है और सहानुभूति नहीं है तो आप बड़ों की सेवा नहीं करोगे, छोटों से सहायता नहीं करोगे और सुपात्र को दान नहीं दोगे। अगर आपके पास धन की शक्ति है, सत्ता की शक्ति है, शरीर की शक्ति है, कोई भी शक्ति है और सहानुभूति का सद्गुण नहीं है तो आप दान नहीं कर सकते। वो धन आपको विलासिता में गिराएगा। आप छोटे को सहायता नहीं करोगे और सहानुभूति नहीं तो माँ बाप की और बड़े बुजुर्गों की और धर्म की सेवा नहीं करोगे, रावण के रास्ते चले जाओगे, कंस के, सीजर के, हिटलर के रास्ते चल के अपने को पिशाच योनि में ले जाओगे। जिम्मी वालों में भी सहानुभूति नहीं होती तो सेवा नहीं कर सकते। है जिम्मी जुम्मा, सहानुभूति का सद्गुण रखो, दृढ़ संकल्प का सद्गुण रखो, धैर्य का सद्गुण रखो, श्रद्धा का सद्गुण रखो और विश्वास का सद्गुण रखो। फिर चाहिए तो तुम्हारी नौकरी में से मैं तुम्हें जिम्मी का मालिक बनवा दूंगा। समझ गए बच्चे? बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। तम नमामि गुरुं परम, तम नमामि हरिं परम, हरिः ओम। ये तो कल सत्संग हो गया था, जो कल नहीं आए थे उनके निमित्त इस सत्संग को थोड़ा वैरायटी वाला बनाकर आज भी कह दिया। समझ गए? थोड़ा सा वैरायटी और डाल दी तो आज वालों को भी ताजा लगा न्यू बुलेटिन, और जो कल वाले भी थे उनको भी लगा। अब आज का बुलेटिन बता रहा हूं। भक्ति पुरुषार्थी के लिए है और पुरुषार्थहीन के लिए भी है। जिसमें कोई अकल नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, उसको भी भक्ति उठाती है, और जो बड़ा पुरुषार्थ और बल वाला है उसके लिए भी भक्ति है। जो बल वाला पुरुषार्थ वाला समझदार है, रघुपति भगति करत कठिनाई, उसके लिए भगवान की भक्ति कठिन है। बोले सादा काम क्या करें, हम तो बड़ा काम करेंगे, कठिनता वाला काम करेंगे, उनके लिए भक्ति है। जो एकदम कठिनता पसंद करते हो, सादा काम पसंद नहीं करते हो, उनके लिए भक्ति है। और जिनको एकदम सादा सरल काम चाहिए उनके लिए भी भक्ति है। कहूं भक्ति पथ कौन प्रयासा, भक्ति मार्ग में क्या प्रयास है, न जोग न जप न तप न उपवास, मैं भगवान का हूं भगवान मेरे, रोना है तो प्रभु को मिला दो, हंसना है तो प्रभु को मिला दो, खाना है तो ठाकुर जी को मिला दो, होगी भक्ति। कहूं भक्ति पथ कौन प्रयासा, जोग जप तप न उपवासा, सरल सुख सरल स्वभाव न मन कटुलाई, स्वभाव सरल हो गया मन में कटुलाई नहीं, जथा लाभ संतोष